एनकरेज कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, इससे सारा सरल, इससे रियल वर्ल्ड कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो किसी को एक्सप्लेन करने में योर ब्रेन थिंक्स 10 टाइम्स मोर देन व्हाट यू लर्नड बाय योरसेल्फ। सो अगर आपके दोस्त हैं, सो क्रिकेट खेलो, वीडियो गेम्स खेलो, सब कुछ करो, बट टीच टू ईच अदर समथिंग, अ लिटिल लेसन और समथिंग, एंड मेक इट अ डेली हैबिट। दिस वन अलोन गाइस, दिस थर्ड थिंग अलोन। जब तक मैं बीटेक सेकंड ईयर में था तो मैं एक साइलेंट बंदा था। आई नेवर यूज्ड टू स्पीक मच एंड एवरीथिंग। द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई रियली सॉ अ हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस चेंज इन मी कि यार मैं दो बंदों को सिखा पा रहा हूँ। सो माय ब्रेन स्टार्टेड गेटिंग वेरी एक्टिव एंड रियली हेल्प्ड मी गाइस। एंड लास्ट, लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेट। सी, टीचर्स का हम रेस्पेक्ट करते हैं, बट उसका कुछ लिमिटेशन होता है, टाइम लिमिटेशन हो सकता है, उसका स्किल लिमिटेशन हो सकता है, जो भी हो सकता है बेसिकली, राइट? सो बट 50 इयर्स पहले स्कूल इज द ओनली ऑप्शन। मे बी आफ्टर 10 इयर्स दे हैव गॉट समथिंग कॉल्ड ट्यूशंस, जो स्कूल के बाद आप ट्यूशन में जाके भी सीख सकते हैं। बट अगर आज टूडे वी हैव द वर्ल्ड कमिंग टू आवर फोन, आवर टैबलेट और लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टीचिंग अस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूरे दुनिया का बेस्ट टीचर्स आर सेइंग, हे, हम यूट्यूब में है, प्लीज कम एंड लुक इनटू अस, प्लीज कम एंड अंडरस्टैंड। ऑल यू हैव टू डू इज, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग रविचंद्र अश्विन और सेइंग शाहरुख खान, टाइप की हे हाउ टू अंडरस्टैंड मोमेंटम इन फिजिक्स। ये सी लैंग्वेज में इंट रिटर्न क्या होता है, ये बिटकॉइन क्या होता है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कभी क्या बताते हैं, सीखो few things will come handy. As I told you in the earlier point, having knowledge is going to be very helpful. So internet se seekho yaar. Abhi is generation ka, I would say last 2-3 generations have the best opportunity jo shayad aapke parents ko ya unke parents ko dreams mein bhi nahi hai basically. And the best part, jab wo padhte the unko agar kuch naya seekhna hai to unko fee pay karna hai, बट आपको तो घर में इंटरनेट होता होगा, घर में या स्कूल में इंटरनेट हुआ ही होगा, जो फेसबुक के लिए हो या ट्विटर के लिए हो, कोई भी एक्टिविटी के लिए इंटरनेट है। सो लर्न फ्रॉम द इंटरनेट गाइस। सत्य, आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज गो अहेड। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टीचिंग, अगर आप किसी को समझाते हो तो आपकी लर्निंग भी 10 times बढ़ती है और आपका दिमाग भी 10 तरीके से सोचने लगता है कि कैसे आप पढ़ा सकते हैं। बट जो रियल वर्ल्ड वाला आपका पॉइंट है, तो क्लास में मेरे क्या होता था कि आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो टॉप 3-4 में ही रहते थे यूजुअली। तो टीचर पढ़ाती थी, अपन पढ़ते थे, चाहे बुक से चाहे टीचर से, बट वो रियल वर्ल्ड वाली चीज़ क्योंकि कभी सिखाई नहीं गई तो वो इनहेरेंटली आती नहीं थी। मैं फ्रिक्शन पढ़ रहा हूँ, बट वो चीज़ अब समझ में आने लगी है कि ठीक है, साइकिल का ब्रेक दबाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, बट कंसिडरिंग हम लोग को पढ़ाया जा रहा है बुकिश नॉलेज, हाउ कैन समवन यू नो इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट ही इज लर्निंग, कंसिडरिंग वो सिखाई नहीं जा रही है। हाँ, वो कभी नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि यार क्लास में एक टीचर को 30 मिनट्स मिलेगा यार, वो बेचारा क्या कर सकता है यार, देयर इज ओनली लिमिटेड टाइम, राइट? सो हमेशा यार दुनिया में लेस देन 1% पीपल सक्सीड। ओके, हम दोनों उस लिस्ट में होगा या नहीं होगा 10-20 साल के बाद ही पता चलेगा हमको, बट हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, राइट? यार एक मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी मूवमेंट इन लाइफ में, जो भी प्रोग्रेस इन लाइफ में होना चाहिए, वो खुद से ही होना चाहिए बेसिकली। एंड इसीलिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमको खुद करना है। द ब्यूटिफुल थिंग इन लाइफ इज यू डोंट हैव टू गो 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर टू गो अराउंड इट, मेक इट अ जॉब। लाइक आई हैव माई मेंटर हु टोल्ड मी, व्हेन मैं प्रोग्रामिंग करता था, मेरा मेंटर, और सॉरी, व्हेन आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन, व्हेन माई टीचर टोल्ड मी दिस की प्रैक्टिकल वाला चीज में देखो, मेरा भी यही क्वेश्चन है, हाँ ये क्या होता है, तूने मुझे नहीं पढ़ाया, मैं कैसे, तू ही वही, वो भी तुम ही पढ़ाओ मुझे। बट वो सर ने बोला था कि सब एक काम करो, सी सब्जेक्ट को लेके दुनिया में मत ढूंढो कि ये सब्जेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, डू इट इन द रिवर्स वे। अगर आप लाइफ में कुछ देखा है, प्रेशर कुकर में से स्टीम आ रहा है, आपने वो देखा, राइट? नेक्स्ट 1 वीक ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज,
हम एक सब्जेक्ट को पिकअप करके फ्रिक्शन बोल के फ्रिक्शन 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 ढूंढ रहे हैं तो कहीं नहीं मिलेगा। बट आपको लाइफ में क्या हुआ, प्रेशर कुकर में से साउंड से कुछ आया था, सो यू नीड टू वर्क इट इन द अदर डायरेक्शन। ओके, ये प्रेशर कुकर में से मम्मी ने और डैडी ने या खुद ने राइस और वाटर को डाला था, ये श क्यों आ रहा है यार, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दैट। ओके, क्या हो रहा है, नीचे कुछ फायर लगाया था, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द फायर फायर एंड द वाटर मीट, व्हाट्स, कभी कभी वो जब वो साउंड आते तो वो विजल ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। एंड सो इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग ए सब्जेक्ट एंड लुकिंग अराउंड द वर्ल्ड टू लुक इनटू इट, द बेस्ट वे टू डू इट इज डू इट द रिवर्स वे, वॉट एवर यू फाइंड इट। अगर आप ब्रेक मारने चाहते थे साइकिल पे, ब्रेक नहीं मारा, फड़ाल कहीं गिर गया आप, बेसिकली फिगर इट आउट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड फिर हर चीज तो इंटरनेट पे अवेलेबल ही है, इट्स एज सिंपल एज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। बहुत सारा, सो इसीलिए मैंने दोनों एक नेक्स्ट लिखा था, क्योंकि द बेस्ट वे इज जो आप एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि आप सी अगर आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो, बेसिकली आपको फ्रिक्शन बुकिश नॉलेज है, हाउ डू यू एक्सपीरियंस इट, बट द बेस्ट वे इज अगर सी जब आप पहले डे कॉलेज में गए थे तो आप क्या करते हैं, नए फ्रेंड को ढूंढते हो, या कोई बंदे आके बोलते हैं कि हाई माई नेम इज पंकज, वॉट इज योर नेम, आई वॉन्ट से कि नहीं नहीं तू नहीं, मैं एक नया दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, यार आपके सामने एक नया फ्रेंड आ गया भाई, बोल रहा है कि उनका नाम पंकज है, बोलो कि हाँ मेरा नाम सत्या है, बन गया ना नया फ्रेंड। सो द बेस्ट वे टू डू सॉल्व थिंग्स इन लाइफ इज व्हेन यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग समथिंग, अ प्रॉब्लम, और यू आर ऑलरेडी सीइंग समथिंग हैपनिंग, उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करने से और भी फास्ट हो जाता है। एंड व्हेन योर ब्रेन बिकम्स 10x, ये रिवर्स वे भी हो जाता है कि आप कुछ पढ़ा है, आपका ब्रेन 10 गुना फास्ट काम करता है बाहर दुनिया में देखने के लिए कि यार ये क्यों हो रहा है, राइट। एंड लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेट, आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम दैट एवरीबॉडी, अगर आप इंटरनेट में नहीं सीखा तो आप पूरा एडवांटेज इस जनरेशन का नहीं ले रहे हो। इट इज एज गुड एज यू हैव बीन बॉर्न 50 years अगो, बट सिंस यू आर नॉट एज ओल्ड एज मी एंड यू आर बॉर्न फार लेटर देन मी, बहुत सारा एडवांटेज ले लो उसका। इंटरनेट में सब कुछ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का कोर्सेस भी है, सो ये इंटर 10th क्लास प्रोग्रामिंग बीटेक ग्रेजुएशन का बहुत सारा कंटेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ आई कैन ऐड इज हियर, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलता है। शायद आपके टीचर ने फ्रिक्शन के बारे में एक एग्जाम्पल दे के बताया बट आपको समझ में नहीं आया, बट अनदर टीचर ऑन द इंटरनेट इज एक्चुअली डिफरेंट एग्जाम्पल, शायद आपको वो समझ में आता है, एंड अरे भाई अभी समझ में आ गया, राइट। सो लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ रिडिक्युलसली अमेजिंगली गाइस, यू विल बी सुपर सुपर हैप्पी। Okay. So, सत्या ये पूनम मैम हम लोग के साथ ज्वाइन है, शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, एंड उनका ये क्वेश्चन है कि जिन बच्चों को समझ लीजिए डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है, लेकिन क्या पढ़ना है वो नहीं पता है, उनका इंटरेस्ट गेम में है, क्रिकेट खेलना पसंद है, वो घंटों खेल सकते हैं, बट बनना डॉक्टर है, तो हाउ टू कनेक्ट विद योर ड्रीम्स कंसिडरिंग चाह कुछ और रहे हैं बट बनना कुछ और चाह रहे हैं। My grandfather really is amazing fellow man. मेरे दादाजी, okay, बचपन में मैं भी यही कहता था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, okay, but कुछ और पढ़ते था, right? So that's something I'm actually going to cover in my next slide. It is impossible for kids. I yesterday asked my kid, what do you want to do when you grow up for this presentation? He said, when I grow up, I'll become a big guy. I'm like, fantastic, great job. So किसी भी बच्चे को इट इज फैसिनेशन इज डिफरेंट। द अदर डे आई शोड यू मार्शियन बोल के एक मूवी है, वो देख के वो बोल रहा है कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो आई पर्सनली आई ऑलवेज थॉट आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, दैट्स माय ड्रीम टू बिकम, बट देन what my grandfather told me was that, okay, you know what, you want to become he noticed that I want to become a teacher but I play cricket very well, so ne kya kiya ki mera time ko as a teacher, he is more than anything, he was my teacher, so mera time split karta tha, so mujhe avenues deta tha, okay thoda time cricket khelo, thoda time padho, I was good at gardening as well, so agar kisi ka ped pauda hai to I'll be super there, so wo mujhe multiple cheez karne dete the। अगर एक बच्चे दो फिफ्थ क्लास या सिक्स्थ क्लास में और सेवेंथ क्लास में बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड पेरेंट्स क्या कर लेते हैं कि वो मान लेते थे बेसिकली, कई ये बंदे को डॉक्टर बनना है, टीचर भी ओके डॉक्टर ही कर लेंगे उनको, इनको फिजिक्स पसंद है फिजिक्स ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं, लेट देम
try multiple things. It's all about their brains clinging onto something else, and then they will catch up on. And I've never seen, I've very rarely मैंने बच्चों को देखा जो second class में जो बोलते थे वही किए थे life में. It's not going to be like that. Because if things went my way, I would have really been teacher sitting at the other side of the spectrum now. So that's what I would do. Okay. I'll just continue on the. I think this is the last one. So, ये important है यार for me. What I would do if I had a chance to go to the school again, right? तीन चीज करते थे यार. मैं practical implementations का मैंने already बात किया था, so ज़्यादा time नहीं लूँगा. Tutoring others, I think I've already covered. It helps you think in many perspectives. Cohort based learning is also part of tutoring others. जो आप क्या करते हैं कि आप ग्रुप्स में बनो यार. ये घर में अकेला बैठ के पढ़ना वो सब छोड़ दो. कि एक कोहोर्ट बेस्ड कोर्स ऑनलाइन थिंग्स है फ्री में है, या जस्ट आपके नजदीक के बच्चे के पर घर में जाओ बेसिकली, राइट. मिलके पढ़ो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पसंद नहीं आया और समझ में नहीं आया, उनको समझ में आ गया, तो ही विल बी डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम हिम. दिस वर्ल्ड, दिस जनरेशन टुडे, ये समय है कोलैबोरेशन का. ओके, कोलैबोरेशन ये नहीं होता है कि बिजनेस में होता है, नहीं. मैं जब आप बचपन में खेलते थे, अगर किसी बंदे ने बैट लाया तो आप उनको फर्स्ट बैटिंग देते थे, अगर किसी बंदे ने बॉल लाया तो उनको फर्स्ट बॉल देते थे, अगर एक बंदे कुछ भी नहीं लाया तो उनको फील्डिंग में खड़वाते थे. सो ये कोलैबोरेशन हर जगह पे होता है. द ओनली थिंग इज वी हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ दैट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, व्हिच इज एजुकेशन. सो ये मिलके पढ़ना बस स्कूल में नहीं है यार, एक्सपैंड इट, राइट. आपके फ्रेंड को पूछो कि यार आपने कल फ्रिक्शन के बारे में क्या यूट्यूब वीडियो देखा है. ये मत पूछो कि यार कल क्या मूवी देखा है, वो भी सीखो, वो भी पूछो. इट्स नाइस, यू विल वॉच अ नाइस मूवी ऑन द वीकेंड, बट सीक वेयर आर देयर सोर्सिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम. वो कुछ अच्छा वीडियो देख सकता था जिससे उनको फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिला था, राइट. सो दिस मेक दिस प्रैक्टिस, एंड इफ देयर आर एनी टीचर्स इन दिस ग्रुप, एनकरेज किड्स to study together. Maybe since you are the teachers, you know their pulse very well. Maybe connect the right dots. अगर एक student किसी को physics में अच्छा आता है और किसी को chemistry अच्छा आता है, इन दोनों को बिठवा दीजिए. So that you know what, these two guys will help each other. And my important lesson, guys. बहुत सारे times लोग बोलते हैं कि I'm CEO of a pharma company. वो बोलते थे कि leadership is a rare skill. बट मैं उसको बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ. हम सब लीडर है. जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप जब बॉल आपके पास आता है, नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि यार ये बंदा यहाँ पे बॉल मारेगा, मैं थोड़ा इधर खड़ के रहूंगा सो दैट आई कैन स्टॉप द बॉल, राइट. हम सब सोचते हैं एवरीबॉडी इज अ लीडर, एवरीबॉडी हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज अ लीडर. ये लीडर ये की बात हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं ना, एवरी वोट इज इम्पॉर्टेंट. सो एज अ वोट एवरी गाय इज डिसाइडिंग हु इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली एवरी किड, एवरी गाय हु स्टडीज कैन बिकम अ लीडर इफ यू फर्स्ट स्टार्ट लीडिंग योर सेल्फ. आज से कल से आज एम आई इम्प्रूविंग बाई पॉइंट नॉट 1%. मैं प्रैक्टिकली सीखना शुरू कर रहा हूँ क्या, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ क्या, मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या, इंटरनेट से कुछ अच्छा आई एम एबल टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द इंटरनेट. ये सभी हर एक हफ्ते अगर आप यूर इम्प्रूविंग जस्ट अ मार्जिनल थिंग, सडनली आफ्टर 6 months व्हाट यू रियलाइज इज डूड यू आर नो मोर हु वाज बिफोर दैट 6 months. यू आर डिफरेंट, यू आर पंकज प्लस प्लस प्लस, नॉट इवन दिस पंकज प्लस, यू आर टू गुड बेसिकली. एंड दैट is actually going to encourage your friend next to you. Ki yaar 6 mahine pehle ye bande mere sath khelta tha, ab khel raha bhi, pad raha bhi, super ban gaya hai. Aap by improving yourself, you are improving the society around you. That is in itself leadership, and that's the reason I say to become a leader, you first have to lead yourself. So these are the things, guys. And again, these are, I wanted to keep my presentation a little generic because there is a wider range of audience. But agar school ke kuch bachche ya engineering jo pad raha hai kisi bachche ka kuch points hai, to I'd love to add a little more contextual specific answers to them. So, please aap log unmute karke pooch sakte ho. Satya, I had another question. Ki jab hum log school mein hote hain, college mein hote hain, when as an entrepreneur, as a co-founder, I understand the need for a reward based system, short term rewards and long term rewards. जब स्कूल में होते हैं पढ़ते हैं क्योंकि फिर मार्क्स मिलते हैं, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, बट ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाली चीज़ है उसमें कोई एज सच रिवॉर्ड दिखता नहीं है कि इनहेरेंटली वी आर ग्रोइंग,
बट इज ग्रोइंग द रिवॉर्ड जिसको हम लोग किसी तरह कॉन्क्रीट मटेरियलाइज कर सकते हैं जिससे, या इज इट ऑल इंटरनल कि डिसिप्लिन हो के आप करते रहो एंड